Hello, my dear friends and parents, welcome to my channel, my पाठशाला वही टूरिज्म। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओलंपियाड के मॉडल पेपर क्लास फोर्थ के लिए इंग्लिश ओलंपियाड। ये SOF ओलंपियाड के मॉडल पेपर हैं, जिसमें आप इसके सिलेबस, क्वेश्चन का पैटर्न, पेपर के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं रहती है, ये सारे चीज़ों को जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं नंबर्स ऑफ टोटल क्वेश्चन पर 35 रहते हैं क्लास फोर्थ के लिए इंग्लिश ओलंपियाड। ये सैंपल पेपर जो 2022-23 के लिए है और एक घंटे का टाइमिंग रहता है। ये 3 सेक्शन वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रिटन स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, इनसे 30 क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन मार्क्स एज क्वेश्चन 1 रहते हैं। एंड एक्चुअल सेक्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स पर क्वेश्चन 2 रहते हैं। अब इसके हम सिलेबस देखेंगे। सेक्शन 1 में कलेक्शन, स्पेलिंग, जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल, वन वर्ड सिचुएशन, सब सिचुएशन, साइनोनियम, एंटोनियम्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कॉन्ट्रैक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस, पंक्चुएशन एंड जंबल वर्ड, बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, प्रोवर्ब एंड आइडम्स एक्सेट्रा। सेक्शन 2 का सिलेबस हो जाता है सर्च फॉर रिटायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट टाइप लाइक स्टोरीज, एनेक्डोट्स एक्सेट्रा, अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स, टाइम ट्रेवल फॉर्मेट एक्सेट्रा, एक्वायर बोर्ड अंडरस्टैंडिंग फॉर एनी लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टेक्स्ट लाइक मैसेज, इन्विटेशन एक्सेट्रा। एंड सेक्शन 3 आपका हो जाता है, चलिए सेक्शन 3 देख लेते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन बेस्ड वेरियस इंफॉर्मेशन लाइक एपोलॉजी, ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन एंड रिक्वेस्ट। एंड सेक्शन 4 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस सिलेबस एज पर एज सेक्शन 1-2। अब चलिए क्वेश्चंस के पैटर्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज से है। नंबर 1, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें से एक वर्ड चूज करके इस फ्रेज को कंप्लीट करना है। यू डैश वियर ए हेलमेट और यू विल बी फाइंड बाय द ट्रैफिक पुलिस। यू मस्ट वियर ए हेलमेट और यू विल बी फाइंड बाय द ट्रैफिक पुलिस। तो करेक्ट आंसर हो गया इसमें ऑप्शन सी। क्वेश्चन डायरेक्शन 2 and 4 के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द स्कूल बस वेरी फास्ट। वी टोल्ड हिम टू प्लीज डैश डाउन स्लो, काम के हरे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्लो। द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द स्कूल बस वेरी फास्ट। वी टोल्ड हिम टू प्लीज स्लो डाउन। नंबर 3, द नेबर डैश फॉर द ब्रेकिंग हिज गार्डन लैंप व्हाइल वी वेयर प्लेइंग फुटबॉल। टोल्ड मी ओवर, टोल्ड मी अप, टोल्ड मी आउट, टोल्ड मी ऑफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टोल्ड मी ऑफ। माय नेबर टोल्ड मी ऑफ फॉर ब्रेकिंग हिज गार्डन लैंप व्हाइल वी वेयर प्लेइंग फुटबॉल। नंबर 4, के अंतर्गत हम देख लेते हैं। सैम डिड यू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। यस बट कैन वी डैश ओवर इट अगेन। सी गो गेट टेक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गो। डू यस बट वी यस बट कैन वी गो ओवर इट अगेन। नेक्स्ट सेक्शन नंबर रीडिंग सेक्शन से है। रीडिंग सेक्शन से हम क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम पहले पैराग्राफ रीडिंग करेंगे। ये 5th and 6th के लिए है। रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अजीत, हु डिड यू टेल। सैलानी, जस्ट मनानी। अजीत एंड हु टोल्ड यू। सैलानी गेल। अजीत एंड नो बॉडी एल्स नो। सैलानी ओनली यू डू। ओके, अजीत एंड नो बॉडी एल्स नो। सैलानी ओनली यू डू। अजीत वेल ऑफ कोर्स आई डू आई टोल्ड ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, हू न्यू फर्स्ट। अजीत, सैलानी, मेलानी, गेट।
Correct answer is option A, achieve. 6. How did Shalani find out? Ajit told Shalani, Nalani told Shalani, Gil told Shalani, and Shalani told Malani. Correct answer is option C, Gil told Malani. Question number 7. Question number 7 देख लेते हैं. Mandy, hey, Perry, did you see the match last night? Perry, no. While I dash the match, the power went off, so could not watch the whole match. Watching. Perry, no. While I was watching the match, the power went off. So, correct answer is option C. Number 8, John. I know lots of people here. Amir, do you? I thought you said you did not know anybody. You knew everybody. You know somebody. You did not say anything. So, correct answer is option A. You did not know anybody. Next question number apna ho jata hai. Achiever sections hai 9 and 10. Direction 9 and 10 के लिए choose the correct word and phrase to complete each sentences. I felt tired today. I dash very well last night. Did not spell, hasn't spelled, did not sleep, haven't slept. Correct answer is did not sleep. I felt tired today. I did not sleep very well last night. 10. It's cloudy dash it's not raining. It's cloudy, but it's not raining. तो I hope आपको ये समझ में आ गया होगा क्लास 4 ओलंपियाड के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं. ऑलमोस्ट इसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं, टेक्स्ट बुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहते हैं. तो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. थैंक यू. और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए.